हम तब एकदम हमारा डर नहीं क्या, हम चाहते नहीं कि हमारे तू लोग मुँह दे लोग, हमको अब जीने का ऐसे भी कोई हक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आदमी सब कुछ पा के हार गया, वैसी स्थिति आ गई है कि मतलब दिन रात माथा टेंशन में है। खेसारी लाल यादव मेरे पैर पे गिरेगा तो मैं उस वो भीख मांगेगा कि मुझे भोजपुरी में जीना है, तब ये लोग जीने देंगे, वरना इन लोगों के सामने पब्लिक जनता और ऑडियंस का कोई मतलब नहीं है। समझी साजिश है, और आप लोग समझ सकते हैं कि वो साजिश कहाँ से की जा रही है। कल शायद उन लोग का वीडियो भी देखे होंगे, तो ये सब लोग मिल के खेसारी भैया को टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी उस टाइप की डील नहीं थी इसको। नमस्कार, मैं निजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, एक लाइव स्ट्रीम थोड़ी देर पहले, ये घंटे पहले लाइव स्ट्रीम होता है, और लाइव स्ट्रीम के बाद ऐसा भूचाल मचा हुआ है कि कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के गाने पर कॉपीराइट मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? क्या खेसारी लाल यादव के कैरियर को तबाह किया जा रहा है? कई सारे सवाल हैं, कई सारे विवाद हैं, और इन्हीं सभी विवाद पर अखिलेश कश्यप एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो पहले चैनल पर स्वागत करते, स्वागत है अखिलेश जी। सबके प्रणाम भा, नमस्कार भा। जे भी भोजपुरी गॉसिप देखा था और सुना था, तब कॉपीराइट तो लागत था सबके गाना पे। मरले बड़ा हमारे बड़े भाई हैं और ग्लोबल के वो मालिक हैं राजकुमार जी, उन्होंने कॉपीराइट किया है सबके गाने पे। मैं एक बात बताइए, खेसारी लाल यादव एक ब्रांड, हिट मशीन, टारगेट करना, सबसे पहले तो ये टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 4 दिन पहले से ही ऐसा बातें चल रही थी कि कुछ ना कुछ बड़ा भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, भूकंप आएगा। फाइनली कल से भूकंप चालू हो गया जब से आप लाइव स्ट्रीम आए हो। ये आखिर है क्या मुद्दा, किस तरीके से गर्माहट हुई है? देखिए, मुद्दा तो हम लोगों को खुद नहीं पता है, उन लोगों में कोई डील वेल के चक्कर है भैया के साथ और राजकुमार जी के साथ। तो भैया के साथ आपका प्रॉब्लम पर्सनली है, तो खेसारी भैया से आप बैठ के बात करेंगे, मिल के बात करेंगे। अब जितने भी कंपनी वाले ले रहे हैं, आपके जैसे तो सब बड़े कंपनी वाले हैं नहीं, पैसे वाले हैं नहीं भाई। अगर खेसारी भैया 5 लाख का गाना दे रहे हैं तो कोई इंसान 5 लाख रुपया उनको कहाँ से ला के दे रहा है? आप बड़े लोग हैं, आप पैसा वाले हैं, आप नहीं देखे होंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ से वो 5 लाख रुपया दिए हैं। और मेरा एक तो भोजपुरी में रोज गाने रिलीज होते हैं, इस वजह से कोई गाने चलते नहीं है। अब कोई गाना मेरा चल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, उस पर भी कॉपीराइट लगा देना, चाहे वो इस फॉर यू का गाना जो था सैया के बेलल रोटी, उस पर भी लगाया गया, ब्लू बीट के गाने पर लगाया गया, मुँह हमारे राजा पे। तो आपसे भैया से प्रॉब्लम है, आप भैया से निपटिए। हम लोग के गाने पे कॉपीराइट लगाना, और आप रावण थोड़ी हैं, आप अहंकार, इतना अहंकार कहाँ से भोजपुरी में? आप अहंकारों जैसा कर रहे हैं कि मेरा लॉयर बात करेगा तो तुम लोगों को जेल में करा देंगे, तुम सब अंदर जाओगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे नहीं चलता है भैया। एक बात बताइए भैया, सिंपल सी बात है, गाने इतने दिन के बाद जब झगड़ा गाना आपका सुपरहिट है, मेरे हिसाब से 1 महीने होने वाला, आई थिंक 1 महीने होने वाला है, 1 महीने के बाद थर्ड पार्टी मैच, और डायरेक्ट क्या आपको नोटिफिकेशन दिया गया कि भाई कॉपीराइट दिया है? एक बार डायरेक्ट थर्ड पार्टी मैच, हम भी तो कंपनी चला रहे हैं, आप भी तो चला रहे हैं, किस तरीके से ये क्या शब्द है? कोई हमारे पास नोटिस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि आपने मुझे फ़ोन किया हो, चाहे कुछ भी, उन्होंने डायरेक्ट कॉपीराइट कर दिया। इससे तो नुकसान है ना, क्योंकि आप गाना बना रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, भैया के ऊपर शूट, इतने महंगे महंगे शूट होते हैं, रोमांटिक राजा देख लीजिए, ब्लू बीट्स के दोनों गाने पर, सैया की रोटी, तो ये गाना भैया का तो ऐसा तो नहीं है कि कहा जा रहा है कि भैया गाना दबा दो और गाना बजे ही नहीं तो कैरियर तबाह? ये एक सोची समझी साजिश है, और आप लोग समझ सकते हैं कि वो साजिश कहाँ से की जा रही है। कल शायद उन लोग का वीडियो भी देखे होंगे, तो ये सब लोग मिल के खेसारी भैया को टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी उस टाइप की डील नहीं थी, इसको बैठ के भी शॉर्ट आउट किया जा सकता था। लेकिन अभी खेसारी लाल यादव को नीचे दिखाना है, खेसारी लाल यादव के गाने बंद करने हैं कि वो कैसे तरक्की कर सकते हैं। भाई तो खेसारी लाल यादव ने तो सच बोल दिया है ना, उसने लड़ाई ले ली है, तो भाई वो खेसारी हैं, वो कमज़ोर इंसान है, ये लोग सहनसा है, तो अपना तो दिखाएंगे ही रंग कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ओ, मतलब एक बार पैसा दे दिए हो तो पैसा मिला है एग्रीमेंट में, अभी तक खबर तो है नहीं, क्या एग्रीमेंट के कितने गाने का एग्रीमेंट था, कुछ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? कुछ भी एग्रीमेंट के बारे में मुझे पता नहीं है, बट वो क्या डील था क्या नहीं था, वो एक खेसारी भैया जानते होंगे या विवेक भैया जानते होंगे या वो जानते होंगे या थर्ड पार्टी मनोज बाबा उसमें थे, वो भी जानते हैं, तो वो लोग जानते, ये मैटर शॉर्ट आउट हो जाता है। वो बाकी सब सारे कंपनियों पे कॉपीराइट दे के और ये तानसेन जैसा दिखाना कि मैं जो चाहूँगा भोजपुरी में वही होगा, तो भैया ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैं खेसारी भैया का गाना नहीं लूँगा, बाकी कंपनी नहीं लेंगे,
बाकी बड़े चैनल पे तो गाने आएंगे ना उनके, आप कितना दिन बजने से रोक लीजिएगा। जितना दिन इन लोगों का प्यार है उनके साथ, दुनिया का कोई ताकत खेसारी लाल यादव को नहीं हरा सकता है। इस तरीके से जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कर रहा है, जिस तरीके से वो स्टेटमेंट थी कर रहा है, तो क्या ये अच्छा काम है? मतलब जिस तरीके से फैंस तो अग्रेसिव देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में अभी, हालांकि आप सिर्फ लाइव आए उसके बाद ये एग्रेसिव मूड है, इसके बाद क्या होगा? अभी बहुत कुछ होगा, हम लोग का कोई नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग का कोर्ट, पुलिस, थाना, लॉयर सब जानता है। हम लोगों का बात जनता के पास रखेंगे, पब्लिक से बात करेंगे। हाँ, हम लोग परेशान ज़रूर हैं, हम लोग के साथ बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है। भोजपुरी के जितने भी लोग हैं सब लोग मिल के जो भी कर रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो भी कर रहे हैं उसका जवाब पब्लिक देगी। अभी इतना बड़ा विवाद हुआ उसमें पब्लिक ने जवाब दे दिया, वहाँ से पराजित होने के बाद और कोई भी दिमाग लगाया जाएगा, और लगा दिया गया तो यहाँ पे भी पब्लिक जवाब देगी। हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है। आप जितने बार देखिए, आप एक से लड़ सकते हैं, आप पब्लिक से नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप भी इन्हीं लोग के बनाए हुए स्टार हैं। तो पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। और मैं तो इन लोगों से बता देता हूँ, पब्लिक से जो भी होता है सब कुछ मैं शेयर करता हूँ कि ऐसे ऐसे किया जा रहा है। और अभी खेसारी भैया की मुसीबतें बहुत बढ़ चुकी है और उनके साथ बहुत दिक्कत होना, हो सकता है मे भी हम लोगों के साथ कभी कुछ भी हो सकता है।